बोले आ रहे भैया, बोलिंग आते भैया, समय बोले चबा चबा बाबू हेलो ऑपरेटर महोदय, थोड़ा सा आवाज कम बना दीजिए प्लीज। बोले आ रहे थे भैया, सब सब कमेंट्री के विपरीत छोर से हल करके कदमों से अंबार को बाहर के बड़े जोर से मारने का प्रयास था। बैठ करके थोड़ा लगाना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज को छुपाते हुए गेंद सीधा विकेट की बजाय दास्ताने में। दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में सुरक्षित। पूछे मन बोल रहा था की तरफ से पहले बोलते ओपनिंग करने के लिए आए हैं स्ट्राइक पर खड़े 23 नंबर की जर्सी में नाम है स्ट्राइक पर खड़े खिलाड़ी का नाम है फैजल फैजान और गेंदबाजी मार्ग पर है अजय। हल्के हल्के कदम से बाहर को मार गया, किल्लिया दिखाते हुए कि गेंद सीधा स्टंप पर घुस गई है, आउट का इशारा पार कर रहा आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है नकुल, उनका स्थान लेने के लिए आया 17 नंबर की जर्सी में। राजू 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 भैया, और इस मैच के उद्घाटन करता है आदरणीय श्री विवेकानंद पांडे जी। का मांगने का प्रयास था लेकिन गेंद इस तरीके से बल्ले पर आई नहीं, हालांकि गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान इस ओवर की कुछ ही गेंदें और शेष। अजय कमेंट्री की दूसरी छोर से हल्के हल्के कदमों से चले 17 नंबर की जर्सी में खड़े नए बल्लेबाज राजू के लिए से खेला है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, जब तक गेंद के पीछे खिलाड़ी दौड़ेंगे आसानी से दो रन नहीं पूरा किया जा पाएगा, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दोनों ही बल्लेबाजों को शानदार फील्डिंग का नजारा प्रस्तुत करती किंग्स 11 माफ कीजिए प्लेस 11 की टीम इस ग्राउंड पर। इसी एक रन के सहारे एक बार फिर से कमेंट्री के विपरीत अंपायर को पार किया बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जोर से मारने का प्रयास और यहां पर बहुत ही जोरदार अपील हुई है लेकिन अनुभवी अंपायर ने आउट करार देने से इनकारा है। हम सभी स्वागत के लिए अपनी पलके बिछाए कमेटी के उन तमाम सदस्यों की तरफ से खड़े हैं, आपका हार्दिक अभिवादन है इस ग्राउंड पर। ओके इस बीच बड़ा विशाख महान है, हालांकि दोनों ही टीमें एक दूसरे से कम नहीं उठा करके खेला है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद एक टप्पे के सहारे सीमा रेखा के पास सुनने का सुनहरा मौका दरवाली की ऐतिहासिक ग्राउंड पर। कीपर से मिसफील्ड, स्लीपर से मिसफील्ड, थर्ड मैन से मिसफील्ड, गेंद गई सीमा रेखा के पास चार रनों के लिए लेग बाई के रूप में या बल्ले से भाव का शुभारंभ कुछ ही क्षण में हम सभी के बीच। उठा के खेला है, क्या उछली है हवा में, नीचे है खिलाड़ी। पिछले मैच में सुक्ता द्वारा को बाहर किया था, उनके खिलाफ 35 गेंदबाजी करते हुए आज पंकज पांडे फैजा जो भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका 7 गेंद पा रहे हैं उनके बल्लेबाज। सिटी हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर है भैया, और सामने में अजय राइट आर्म ओवर एंड के से टूटे के लिए अच्छी गेंद भैया, अजय इस मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी की अभी तक, इनका दूसरा ओवर चल रहा है, अब बांट के रखता है सीपी हॉस्पिटल के बल्लेबाजों को। एक नंबर आ रहा है भैया, समय देखिए लॉन्ग बाउंड्री सॉरी सर्कल पे जो प्लेयर खड़ा है विजय गेंद वो नसीहत देते हैं अजय को, और बल्ले का बाड़ी किनारा हुआ है प्रतीक बाजू से पाकिस्तानी रैप पी के चूर के हाथों में गेंद रह गई, हटता देखो झटका होता सीपी हॉस्पिटल के लिए। एक नंबर यार अजय भैया, समय राइट आर्म ओवर रन पीछे की पारी करेंगे अजय भैया, समय दौड़ा पार किया एक पार क्रॉस किया स्टार्ट के नजदीक सीखे अच्छे से क्रॉस किया है और आप इधर भाग रहे थे इंसान और एक रन मिलेगा, दूसरा रन तो पीके लेकिन मना किया वहां पे
पहचान में टीम तो बनता हुआ इसको 16 रन दो खिलाड़ी के आउट होने के बाद इस वक्त सीधी आखिरी दल की टीम अजय अपने कोटे के लिए लेके शामिल के पहचान जो अभी तक काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है सीधी आखिरी दल के लिए राइट और राउंड जब खेलते जब पारी करेंगे अच्छी गेंद क्या गेंद है देखिए गेंद खेलते तक हल्की सी बाहर में निकल गए इसके कीपर के दस्तानों में यह गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं तकरीबन अजय को मैं 5 से 10 साल से जानता हूं शुरू से ही काफी स्पीड रही थी गेंदों में अच्छे गेंदबाज है और बल्ले पे सही से गिराने वाला फील्डर अब विजय शाही और आउट तीन साल का लगता है देश के एकदम की सारे फील्ड किया गया शेखर के द्वारा बिना किसी रन के ओवर की समाप्ति 3 ओवर 16 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद सीबीआर की दल की टीम तो सिटी हॉस्पिटल कुशी रहेगा जिसने सिक्का मारा है और कहर पर पाने लगेंगे तो अखिलेश लेवल के गेंदबाजों को तकलीफें महसूस होने लगेंगी गोविंद यादव जैसे गेंद बल्लेबाज अभी भी ग्राउंड पर आने बाकी हल्के बैट से धकेल करके स्ट्राइक अपने साथ ही खिलाड़ी को दिया है ये है एक अच्छे बैट्समैन की पहचान और एक अच्छे कप्तान की पहचान उम्र दराज खिलाड़ी सिटी हॉस्पिटल के खुद प्रोपराइटर है बड़े भाई आपने क्रिकेट में तकरीबन 3 दशकों तक का योगदान दिया है इन्हीं ग्राउंडों पर आपने अपने हुनर का प्रदर्शन किया है और आज फिर से अपने हुनर के इतिहास के अध्याय में एक और नया अध्याय जोड़ लेने को बेकरार बरनौली के इस ग्राउंड पर आपके टीम का ये चौथा झटका स्वर्गीय कल्पाती देवी क्रिकेट स्मारक प्रतियोगिता के तत्वाधान में 18/12/2022 दिन रविवार से आयोजित क्रिकेट के इस मास संग्राम में आज का ये सेमीफाइनल मुकाबला सिटी हॉस्पिटल बनाम अखिलेश 11 के मध्य खेला जा रहा है सबसे पहले बल्लेबाजी करने उतरी है सिटी हॉस्पिटल की टीम क्योंकि टॉस जीत लिया था अखिलेश 11 के कप्तान खुद अखिलेश ने और लेकिन उम्र मायने नहीं रखते खेल में यही बात मैं बार बार कहता हूँ कि खेल में कोई छोटा बाल नहीं होता सामने जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनकी उम्र और गेंदबाजी कर रहे बालक की उम्र की तुलना की जाए तो जमीन आसमान का फर्क है लेकिन इनकी कसी हुई गेंदबाजी ने बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशान किया है कट करके खेला है यहाँ पर लेग बाई के रूप में 1 रन आ जाएंगे आसानी से इसी 1 रन के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 18 रन मुझे सिटी हॉस्पिटल के कप्तान महोदय का खेल देख करके महेंद्र सिंह धोनी की याद आ रही है जब कभी भारत मुश्किलों में होता है रनों पर अंकुश लगा होता है तब महेंद्र सिंह धोनी इक्की दुक्की से रन को सुधार लेने का प्रयत्न करते हैं और ऐसा होता भी है इससे सकारात्मकता आती है कि रन तो बन रहे हैं भले हम छक्के चौके नहीं लगा रहे हैं लेकिन रन रुक भी नहीं रहे हैं यह एक अच्छे बल्लेबाजों की पहचान होती है और एक अच्छे अनुभवी कप्तान का अनुभव होता है ग्राउंड पर आज के इस मुकाबले में सबसे पहले बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं सिटी हॉस्पिटल की टीम खेलने का प्रयास था गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं गेंद बल्लेबाज को चुकाते हुए सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में अब तक 5वें ओवर के मैच तक विकेट गिरी है कुल 4 रन बने हैं अब तक 19 थोड़ा सा कम रन है सेमीफाइनल मुकाबले में छक्के चौकों की बरसात होनी चाहिए जोर से खेलने का प्रयास खिलाड़ी है मौजूद सीधे बल्ले से खेला था 1 रन आसानी से आ जाएंगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर अभी भी प्रगति पर है 26 नंबर की जर्सी में बल्लेबाजी कर रहे हैं एक साथ उनका साथ निभा रहे हैं सिटी हॉस्पिटल के खिलाड़ी टीके प्रजापति और हल्के बल्ले से खेला है खिलाड़ी है मौजूद बाउंड्री लाइन के बाहर तो नहीं जाएगी गेंद लेकिन फिर भी 1 रन आ जाएंगे इसी 1 रन के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर अभी भी प्रगति पर है मैं उन तमाम विलंब शायद दर्शकों से बता दूं कि कल का वो दिन है जो इस ग्राउंड पर टूर्नामेंट का आखिरी दिन होगा कल तय होगा कि कौन सी टीम 30,000 बनेगी और कौन सी टीम 15,000 हालांकि एक टीम ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है पडरौना की टीम आज इन दोनों टीमों में से जो भी टीम
टीम एक दूसरे पर भारी पड़ेगा तो टीम कल पंडरौना से भिड़ंत करेगा। एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं, आज का ये मुकाबला लाइव भी दिखाया जा रहा है यूट्यूब चैनल और फेसबुक लाइव के माध्यम से। यूट्यूब चैनल का नाम मैं बता दूं, दिलशान क्रिकेटर, आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पर दिलशान क्रिकेटर उनका चैनल आएगा, वो लाइव आ रहे हैं। इस मैच के एक एक गेंद पर पहली नजर रखी गई है। हालांकि हम लोग ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं, हमारे पास खेल की उतनी अच्छी सामग्रियां नहीं होती हैं, फिर भी शानदार आयोजन तमाम बच्चों की मजबूत भूल प्रशंसा करता हूँ। बहुत शानदार महेंद्र सिंह धोनी की भांति ही लेग ब्रेक के रूप में आएगा यह रन। गोलार्ध गेंदबाजी करने के लिए आए हैं 12 नंबर की जर्सी में। बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर है। बड़े भाई श्रीनाथ दीक्षित जी के मार्गदर्शन से मैं भी कमेंट्री सीख रहा हूं और मेरा ये सौभाग्य है कि आप आज मैं आपके बराबरी में बैठकर कमेंट्री कर रहा हूं। मैं बहुत जब छोटा था तब आप निबोराय के ग्राउंड पर अपने कमेंट्री से लोगों को लुभा देते थे। आपने कमेंट्री के माध्यम से लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है शायद ही वो जगह कोई ले पाए। एक बार फिर से कमेंट्री के विपरीत छोर से कप्तान के लिए खेला गया था, फेंका गया था, कप्तान ने खेला, नीचे है खिलाड़ी, बहुत शानदार कैच, लाजवाब, जबरदस्त, शानदार 21 तोपों की सलामी कमेंट्री बॉक्स की तरफ से। नाम से मुझे डर लग रहा है, पहले ऐसे नाम खतरनाक व्यक्तियों के रखे जाते थे और मुझे उम्मीद है कि इनका नाम क्रिकेट में अपने खतरनाक पारी के बदौलत ही मिली होगी। लाल कलर की टोपी में घंटी का खतरे की घंटी बजाता आया ये बल्लेबाज, क्या कहर भर पाएगा। यही वो बल्लेबाज जिसने फाइनल में रन बनाए थे। म्यूजिक खिलाड़ी हैं इनकी गेंदें बल्लेबाज को बाउंस के रूप में परेशान करेगी। अंपायर को बाहर किया, सीधे बल्ले से खेला है खिलाड़ी है मौजूद उसी हमारे बड़े भाई बाबू प्रशांत सिंह जी उन्हें 151 रुपए का पुरस्कार देंगे। बड़े जोर से बल्ला चलाया था लेकिन शरीर से टकराई गेंद एक बार के रूप में एक रन आ जाएंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। स्वर्गीय कल्पाती देवी क्रिकेट स्मारक प्रतियोगिता के तत्वाधान में आज के इस सेमी फाइनल मुकाबले के उद्घाटन करता विधानसभा खट्टा के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री विवेकानंद पांडे जी का आगमन कुछ ही क्षणों में हम सभी के मध्य होने वाला है। हल्के बल्ले से खेला है, खुद गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया है। मैं महोदय का नाम बार बार इसलिए लेता हूं क्योंकि मैंने खुद ही कई मैचों में कमेंट्री करी हुई है और मैं इनकी तत्परता को भली भांति पहचानता हूं। हर ग्राउंड पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कभी नहीं चूकते हैं। मैं महोदय का इस ग्राम सभा के उन तमाम ग्रामवासियों और इस एक ग्राउंड पर खड़े उन तमाम खिलाड़ियों की तरफ से हार्दिक अभिवादन करता हूं। नीचे एक शानदार कैच आपके साथ इस ग्राम सभा के यशस्वी ग्राम प्रधान आदरणीय श्री राजू प्रताप पंत जी हैं और भी कमेटी के वे तमाम साथी जिनके अथक प्रयासों से ये आयोजन इस ग्राउंड पर सफल हो पाया है। महोदय आपने अपने बहुमूल्य समयों में से कुछ समय निकाल करके हम सभी के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसके लिए मैं इस दरगोली के छोटे से ग्राउंड से कमेटी के उन तमाम सदस्यों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुझे लगता है जितनी मेरी उम्र है उतने में जितने विधायकों को हमने देखा है अपने होश हवास में उनमें सबसे युवा कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति आदरणीय श्री विवेकानंद पांडे जी हम सभी के बीच पहुंचे हैं। यह दरगोली के ग्राउंड के लिए इतिहास का पल है, गौरव का पल है कि आप महानुभाव ने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके हम सभी के उपस्थिति दर्ज कराई है। महोदय मैं एक बार फिर से कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री महामंत्री जितने भी सदस्य हैं जिनका नाम ले पाने में मैं असमर्थ हूं उन सभी की तरफ से आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं विलंब चाहे उन तमाम दर्शकों से बता दूं आज के इस कांटेदार मुकाबले में आपस में भिड़ंत कर रही है सिटी हॉस्पिटल।
दो टीमें फाइनल में पहुंची है। सीमा रेखा के खेला किया जा रही है, सीमा रेखा के पास खड़ा है खिलाड़ी, कैच कर लिया गया है या नहीं, क्योंकि जिस कदर इनके गेंदबाजों ने बल्लेबाजों पर कहर बरपाए हैं, बल्लेबाज काफी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है दीपू और उनका स्थान लेने के लिए आए हैं ऑरेंज कलर के कैप में अब है स्ट्राइक पर इस समय खड़े हैं एहसास और गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाजी कर रहे हैं जो भी तीन कैच पकड़े हैं ट्राई कर रहे हैं से और ट्राई कर रहे थे हो नहीं रहा था कि लगाया कल्पाती देवी क्रिकेट स्मारक प्रतियोगिता के तत्वाधान में आयोजित क्रिकेट के इस महासंग्राम में आज का ये मुकाबला सिटी हॉस्पिटल बनाम अखिलेश 11 के मध्य खेला जा रहा है और इस ओवर के तुरंत बाद दोनों ही टीमें लाइनअप हो जाएंगे बड़े जोर से मारने का प्रयास था बल्लेबाज को छकाते हुए गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। इस ओवर के तुरंत बाद दोनों ही अंपायर महोदय मुकाबला एक निर्णायक मुकाबला माना जाता है यही से तय होता है बहुत ही शानदार का प्रयास हुआ था से कमेंट्री के बीच छोड़ते हैं खेला है बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन 7 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर अभी भी प्रगति पर है। खिलाड़ी में मौजूद थोड़ी सी मुश्किल हुई है वहां पर लेकिन सिटी हॉस्पिटल के जितने भी सम्मानित खिलाड़ी जन है मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूं आप ग्राउंड पर पहुंच करके लाइनअप हो जाएं। हम सभी बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए भाई निकाल कर ये भाई चला रहे हैं इसको ठीक है इसीलिए कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हैं जब तक फील्डिंग करेंगे वही चलाएंगे विधायक है आज के खड्डा से तो मैं सिटी हॉस्पिटल के उन तमाम खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा जो भी पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं आप सभी किसी महोदय फूल मालाओं से लदे हुए थे और ग्राउंड पर उपस्थित सीनियर खिलाड़ी सचिन जी को अपने मालाओं का भार सौंप दिया है। हालांकि सचिन जी उन्हीं के करता हूं और मैं महोदय से अनुरोध करूंगा कि ग्राउंड पर उपस्थित दरकावली ग्राम सभा या जिस भी ग्राम सभा से लोग मौजूद हैं जो खेल के प्रेमी हैं खेल के प्रशंसक हैं या दूर दराज से आए हुए तमाम खिलाड़ी हैं उनको अपने अमृत रूपी वाणी से अभिसिंचित करें। महोदय विधायक जी इस दरगोली में आयोजित क्रिकेट मैच के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित मेरे अभिभावक इस ग्राम सभा के प्रधान बड़े भाई आदरणीय राजू मल्ली कमेटी के पदाधिकारी उज्जवल बाबू जी रविंदर सिंह रावत दिनेश गुप्ता स्टेफन राणा जी और कुशल संचालन कर रहे हैं बॉल है यार बेटा बॉल है शाबाश कुशल संचालन कर रहे हैं और पहले से भी हमारे बच्चे बढ़िया जी सभी सम्मानित मंचासी नतीतगढ़ इस क्रिकेट क्लब के व्यवस्था में लगे हुए सभी जो कुछ वो करना चाहेंगे इस ग्राउंड के लिए यहाँ के उत्साहित नौजवान बाउंड्री खिलाड़ियों के लिए मेरे बड़े भाई हैं उनका निर्देश जो भी होगा
मैं निश्चित रूप से धनौली ग्राम सभा के इस खेल के मैदान सहित अन्य नौजवानों की रुचि में रखने वाला कोई विषय हो उसमें जो भी उनका मार्गदर्शन मिलेगा और इस कमेटी के द्वारा जो भी मुझे निर्देश प्राप्त होगा वह सब मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस फील्ड में कोई मैं पहली बार नहीं आया। जब मैं जनप्रतिनिधि नहीं था, विधायक नहीं था और संगठन में काम कर रहा था तो भी इस ग्राउंड पर मुझे कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह ग्राउंड मेरे लिए नया नहीं, इसके पहले जब आता था तो कुछ देने की स्थिति में नहीं था। आज आप लोग के आशीर्वाद से कुछ देने की भी स्थिति में हुआ। आप लोग की दी हुई ताकत, आप लोग का दिया हुआ अधिकार, आप लोग का दिया हुआ स्नेह की बदौलत उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचा हूं और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कुछ अधिकार मुझे दिए गए हैं। उस अधिकार को जहां चाहे जिस रूप में आप लेना चाहे मैं देने के लिए समर्पित हूं। आप लोग के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होगा, हमारे बड़े भैया राजू जी, हमारे अनुज उज्ज्वल चाय कमेटी के लोग और बताइए जो कोई भी हो, आप लोग मुझे निश्चित रूप से बताइएगा। जो कुछ करना होगा मैं निश्चित रूप से करूंगा। हम चाहेंगे कि हर साल के बाद इस साल भी हम आए, इसके बाद आए तो ग्राउंड में कुछ और अच्छा देखने को मिले। जिस प्रकार की आवश्यकता होगी बताइएगा। सभी उत्साहित खिलाड़ी नौजवान भाइयों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और आए हुए सभी खिलाड़ियों से कहना चाहता हूँ, कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो, कहीं कोई आवश्यक लगे, खेल में किसी प्रकार का कोई बाधा आपको मिले, किसी धन के अभाव में कहीं मैच खेलने आप न जा पाए, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, और पूरे जिले नहीं इधर अगल बगल कहीं का कोई व्यक्ति हो मुझे बताएंगे, हर तरह की मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। कोई नौजवान किसी चीज के अभाव में उसकी खेल की प्रतिभा को दबने नहीं देना है, यह मेरा संकल्प है, यह मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अमृत रूपी वाणी से हम सभी को अभिसंचित किया। आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और आपके भाषणों से हम सभी में जान आ जाती है। आप जान फूंकने का कार्य करते हैं, हम सभी युवा आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपनी गरिमा में उपस्थिति हम सभी के इस छोटे से ग्राउंड पर दर्ज कराई। महोदय, एक बार फिर से मैं कमेटी के उन तमाम सदस्यों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत। 75 स्कोर हो गया है। मेरे एक निवेदन पर एनसीसी क्रिकेट क्लब में आपने अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराई थी और योगदान राशि को न अनाउंस करने का जो आपने आदेश दिया था, उस दिन को मैं याद करके बहुत खुश होता हूं कि आज आपके पास पद है और आप बराबर सहयोग हर ग्राउंड पर देते रहते हैं। इस बीच एक बाउंड्री आई थी और इसी बाउंड्री के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन, बाकी जो बाउंड्री नहीं आई थी इसलिए आया था, तो बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी तो इतनी शानदार हुई है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। नेक बॉल के रूप में एक रन आएंगे, इसी एक रन के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन 93 रन। स्वर्गीय कल्पाती देवी 10 ओवर में 93 रन हो चुका है स्कोर। भाई लाइक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, भाई बहुत बहुत धन्यवाद सभी का लाइक देने के लिए। 92 हुआ है, 92 रन हुआ है 10 ओवर। सिटी हॉस्पिटल और अखिलेश यादव के मध्य खेला जा रहा है, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 93 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। ओवर चल रहा है 11वां सीधे बल्ले से खेला है खिलाड़ी हो गया चौरानवे आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। मुझे विजय मैं दोनों ही टीमों के एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी से निवेदन करूंगा, आप कमेंट्री बॉक्स में रहें। खोजबीन विभाग के उन तमाम कर्मचारियों से मेरा निवेदन है, आप अपने ड्रोन कैमरे की मदद से सभी गेंदों को समुचित खोज लाने का प्रयत्न करें। 98 रन 8 विकेट, ओवर चल रहा है 11वां 12 ओवर इस मुकाबले में। सबसे पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं सिटी हॉस्पिटल। बारह 4 16 20 रन आया उसमें। पीछे के खतरा नहीं होगा क्योंकि गेंदबाज ने बचपन में गोटी सज्जा होता है गांव में वो नहीं खेला है। ग्रामीण अंचल के बच्चों को पता होगा गोटी सज्जा एक खेल होता है जिसको गेना भड़बड़ के नाम से भी जाना जाता है। गोटियों को सजा करके बच्चे बाल से उसको गिराने का प्रयास करते हैं। बीच एक शानदार अपील और अपील पर अंपायर ने अपना